और कृष्ण कांत कंवर। इसी कड़ी में माननीय मुख्यमंत्री जी से 7-8 चेक प्राप्त करें। वंचित महिलाओं को सशक्त बनाने के मकसद से आज कानपुर में महिलाओं को सिलाई मशीन का वितरण किया गया। कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शिरकत की। जेके मंदिर परिसर में आयोजित इस भव्य समारोह में 1001 महिलाओं को सिलाई मशीन बांटी गई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 5 महिलाओं को मंच से सिलाई मशीन सौंपी। विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना, यूपी सरकार के मंत्रियों और जनप्रतिनिधियों की मौजूदगी में कहा गया कि सरकार महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने संबोधन में केंद्र व प्रदेश सरकार द्वारा चलाई जा रही जन कल्याणकारी योजनाओं का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि महिलाओं को रोजगार के साधन उपलब्ध कराना सरकार की प्राथमिकता है। महिलाएं स्वावलंबी बने इसके लिए लगातार कई योजनाएं चलाई जा रही हैं। उन्होंने महिला आरक्षण बिल का जिक्र करते हुए कहा कि महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित करने की दिशा में यह भी एक बड़ा कदम है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि सरकार और प्रशासन के साथ जब सामाजिक संस्थाएं मिलकर कार्य करती हैं तो उसे आम जनमानस को अधिक लाभ होता है। सिलाई मशीन पाकर महिलाओं ने भी खुशी का नजारा दिखा। सहारा समय संवाददाता सुनील साहू ने कार्यक्रम का जायजा लिया। जानिए महिलाओं के मन की बात। विश्व प्रसिद्ध जेके मंदिर में आज सिलाई वितरण कार्यक्रम आयोजित हुआ जिसमें सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शिरकत की। इस दौरान उन्होंने सरकार की ओर से महिलाओं के लिए जारी योजनाओं का जिक्र किया और साथ ही बताया कि सरकार के लिए महिलाओं का क्या स्थान है। इस दौरान योगी आदित्यनाथ 33% आरक्षण को भी बताना नहीं भूले। और इस वक्त हम मौजूद है जेके मंदिर परिसर में, आप देख सकते हैं पीछे का नजारा किस तरीके लाइन है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने कर कमलों के द्वारा 5 महिलाओं को वितरित की, लेकिन अन्य महिलाओं को यहां पर वितरित की जा रही है। लगभग 1001 मशीनों का वितरण यहां महिलाओं किया जा रहा है, उसको स्वावलंबी बनाने के लिए, रोजगार परक बनाने के उद्देश्य से। आइए कुछ महिलाएं भी हमारे साथ हैं, उनसे भी जानते हैं। मैडम, आज ये सिलाई मशीन वितरण हो रहा है, इसमें किस रूप में लेती है? जी सर, सिलाई मशीन जो वितरण हो रहा है महिलाओं को दिया जा रहा है कि महिलाएं घर से अपना एक काम स्टार्ट करें, अपना खुद से अपनी सेल्फ डिपेंड बने। बस इसीलिए कि महिलाएं अपना ये जो योगी जी ने किया है ये मतलब बहुत अच्छा काम है और बहुत अच्छा लग रहा है कि महिलाएं अपने खुद पे सेल्फ डिपेंड होना चाहती हैं जो बने। 1001 सिलाई मशीन दी जा रही है, इसको किस रूप में लेती हैं आप? मशीनें बताइए और किस तरह से आप मानते हैं? समूह की महिलाओं के लिए है, समूह के काम के लिए है, क्योंकि वो मतलब महिलाएं अपना कारोबार करना चाहती हैं तो वो अपना कारोबार के लिए मशीनें मिल जाएंगी तो उनका अपना घर का रोजगार चालू हो जाएगा। इस वजह से कहीं ना कहीं इनका मानना है कि जो सिलाई मशीनें हैं इससे इनका कारोबार हो जाएगा, वो स्वावलंबी होंगी और इसके साथ ही साथ वो अपने काम को आगे भी बढ़ा सकती हैं। कानपुर से कैमरा पर्सन प्रमोद त्रिपाठी के साथ सुनील साहू, सहारा समय।